अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ नताशा सेठी, लेक्चरर लैट। वेलकम टू दी फखरे वकालत एकेडमी एंड फखरे वकालत यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 4 फरवरी को जो लैट का टेस्ट हुआ था उसके राइट आंसर्स। काफ़ी स्टूडेंट्स की फरमाइश आई थी कि हमसे राइट आंसर्स शेयर किए जाएं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने आपके लिए ये एक वीडियो जारी की है जिसमें आप अपने राइट आंसर्स को देख सकते हैं। वैसे तो कीज आपके पास आ गई होंगी और आपने अपना एमसीक्यूज का जो आपका रिजल्ट था वो चेक कर लिया होगा, लेकिन फिर भी आप राइट आंसर्स को देखिए, उनको माइंड में रखिए और आगे कभी आपके काम भी आ सकते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट की ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, और कि मैं खुद लेक्चर देती हूँ इसलिए आपको मुझसे बात करने के लिए या एडमिन से बात करने के लिए नंबर डायल करने हैं 031451751788। ठीक है, तो आप हमसे LLB के लिए, लॉ गेट के लिए, सी लॉ की जो हमारा फॉरेन यूनिवर्सिटी के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सी लॉ गेट टेस्ट रखा जाता है। उसके बाद उन्हें लॉ गेट का टेस्ट भी पास करना होता है। तो इन 3-4 टेस्ट के लिए या LLB की क्लासेस के लिए अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में लॉ कर रहे हैं और उन्हें किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 031451751788 पर। हम स्टार्ट करते हैं राइट आंसर्स। राइट आंसर्स आपको यहाँ पर ग्रीन में मिलेंगे और हम जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पेपर लेंथी होता है, तो 75 MCQs कवर करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश के MCQs हैं हमारे पास जिसमें आपने जो बोल्ड वर्ड्स हैं और कैपिटल वर्ड्स हैं उनका ऑपोजिट देखना है। तो सबसे पहला कैपिटल वर्ड है हमारे पास ट्रांजिटरी, जिसके लिए आपने परमानेंट को चूज करना था। सेकेंड में है हमारे पास मेजर, इसका राइट ऑप्शन था जेनरस। नेस्ट्री, इसका राइट ऑप्शन था प्लेजेंट। प्रोलॉन्ग, रिड्यूस, और इसके बाद आपके पास सिनोनिम चूज करने की ऑप्शन थी जिसमें सबसे पहले आपके पास वर्ड है पीयर, फेलो, मिंगल, टॉक, कंफर्टिंग, काइंड, कैंडिड, ऑनेस्ट। ये 8 MCQs थे आपके पास जिसमें आपने ऑपोजिट और सिनोनिम्स देखने थे। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जिसमें आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट करके लगाना था। सबसे पहले है हमारे पास स्टार्टेड। इफ माई कार स्टार्टेड आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। वट वर यू डूइंग बिफोर you came here? The boys start school on Monday. It was too dark to go on, so we stopped here. The rivers would not have flooded had it not rained so heavily. Don't blame me for this mistake. The room hasn't been cleaned for months. If I fall asleep, please wake me up. Where does Parvez lives? When Jamila had finished her speech, she sat down. I remember my father telling me that news. Next है हमारे पास जनरल नॉलेज के MCQs. In the wild primary diet of the pandas is bamboos. Which of the following is the national flower of Pakistan? Jasmine. Which of the following fish has no skeleton at all? Jellyfish. Who from the following was the founder of the Pakistan People's Party? Zulfikar Ali Bhutto. What is Hamas? Palestine militant group. Airblue is the airline of Pakistan. Which one of the following is known as the red planet due to its reddish appearance? Mars. When white light is passed through a prism, it splits into 7 colors. Which blood type is considered the universal donor? O negative. Maria Turpakay Wazir is the first tribal Pakistani international squash player. Which was the first city destroyed by the atomic bomb in World War II, Hiroshima. What is the name of the historic fort located in Peshawar, Pakistan? Bala Hissar Fort. The famous novel Pride and Prejudice was written by Jane Austen. In Pakistan, the upper house of the parliament is known as Senate. CIA is the Central Intelligence Agency of America. Which of the following is the official currency of Japan? Japanese yen. The capital of Germany is Berlin. Which of the following organelles is called the powerhouse of the cell? Mitochondria. South Africa is often referred to as Rainbow Nation. The Sahara Desert is located in Africa. उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान स्टडी एमसीक्यूज. आपके पास राइट ऑप्शन ग्रीन में है. नेम द पैक्ट इन विच the Muslims and Hindus agreed to a separate electorate, Lucknow Pact. The largest province by area in Pakistan is Balochistan. The Tashkent Agreement is also called a peace agreement. It was signed to formalize the ceasefire between Pakistan and India on January 10, 1966. The Durand Line is the 2460 kilometer long border between Pakistan and Afghanistan. Under the 1973 Constitution of Pakistan, the National Assembly is elected for a term of 5 years unless sooner dissolved. Here we have Islamiyat MCQs. Which of the following Sahabi was titled as Saifullah? Hazrat Khalid bin Walid, who gave the idea to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dig a ditch around the city of Medina in the Battle of Ghazwa Ahzab. Hazrat Salman Farsi radiallahu. There are 7 manzils in the Holy Quran. The stoning of the devil ritual is performed at the Jamrat, which is located in Mina near Makkah. The basic unity of society is home. Which of the following was the first slave to accept Islam? Hazrat Bilal radhiyallahu anhu. The first degree of faith is to stop evil by hand. The last war fought against non-believers in the era of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was Ghazwa Tabuk. Injil is the holy book of Christians. The woman caught under the allegation of theft in the era of Prophet sallallahu alaihi wasallam belonged to the tribe of Banu Makhzum. इसके बाद आपके पास हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, जिनमें हम आपको सिर्फ बता देते हैं कि जी राइट ऑप्शन क्या था. 62 क्वेश्चन नंबर है और उसका राइट ऑप्शन था 200 किलोमीटर. 63 इसका राइट ऑप्शन है 21%. 64 इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास 2 और 65 इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास 1000. उर्दू एमसीक्यूज हैं. जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दर्जैल में से किसकी मिसाल है? तशबीह की. आसमान सर पर उठाना से क्या मुराद है? बोझ और गुल मचाना. इसम फेल हर्फ किसकी इकसाम है? कलमे की. कबर की जमा क्या है? कबूर. बेदबाजी किसको कहते हैं? शेर पढ़ने का मुकाबला. कहानी को अदबी जुबान में क्या कहा जाता है? अफसाना. ऊंट है ऊंट तेरी कौन सी कालसी थी? इस ज़रबुल मसल में एक काल से क्या मुराद है? चाल. ठीक है. और हमारे पास है 3-5 करना, हेरा फेरी करना. भेड़ का मुज़क्कर है मेंढा. नेक्स्ट है हमारे पास लेट एसेस टॉपिक्स. जिसमें आपने कोई से भी एक ऐसे को सेलेक्ट करना था और उस पर 200 वर्ड्स लिखने थे। हमने थोड़ी कोशिश की है कि इन टॉपिक्स पे कुछ लिखा जाए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन के टॉपिक को एक कोटेशन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और चाहे तो अपने ऐसे में कोटेशन आप मिडिल में भी ऐड कर सकते हैं और कंक्लूजन में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल मौजूद है तो आपके पास जो बुकलेट होती है उसमें कुछ खाली पेजेस होते हैं लास्ट में, ठीक है। तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, आउटलाइन बना सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप एक सर्कल बनाएं, उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन लिखें और उसके एरोज बनाकर उसमें आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। कोटेशन अगर आपको कोई बहुत अच्छी आती है तो वो आप ऐड करिए। अगर आपको कोई कोटेशन याद नहीं आ रही तो गलत लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाउ इम्पोर्टेंट इज ह्यूमन राइट्स इन आवर सोसाइटी, ये था आपका सेकंड टॉपिक। इसको भी आप देखिए कि हमने एक कोटेशन से स्टार्ट किया है, ठीक है, और उसी से रिलेटेड हमने आगे इसको लिखा भी है। आप इसको चेक कर सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। और अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 031451751785। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले पबजी। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ की है कि आपको पॉइंट्स दे दिए हैं, हेडिंग्स दे दी हैं, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया का टॉपिक है और ये रिलेटेड है वीडियो गेम्स से और इसके लिए स्टूडेंट्स को या बच्चों को अलाउ नहीं करना चाहिए कि आप पबजी खेलें। तो उसके लिए हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स हेडिंग्स बना दी हैं जिससे आपको या एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि इसमें स्टूडेंट कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, या आप लिखना क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको हेडिंग में भी दे दिया है एक टॉपिक हमने और बाकी जो 2 टॉपिक थे वो हमने आपको हेडिंग के बगैर दिए। ये देख लें, इम्पोर्टेंट इज ह्यूमन राइट्स इन आवर सोसाइटी, ये आपके पास हेडिंग के बगैर है और ये आपके पास हेडिंग के साथ है। तो अगर आप आउटलाइन लिखना चाहते हैं तो आप हेडिंग्स दे सकते हैं, आउटलाइन बना सकते हैं। अगर आप आउटलाइन नहीं लिखना चाहते तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास स्लैट पर्सनल स्टेटमेंट। तो ये हमने एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखी थी, ये क्योंकि मैंने खुद लिखी है तो ये मेरे ही बारे में है। अ मोमेंट व्हेन यू लर्न ए लाइफ लेसन, तो आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट भी सेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए हैं कुछ MCQs और कुछ MCQs नहीं, खैर हमने पूरा पेपर ही डिस्कस कर लिया जिसमें आपके पास ऐसे राइटिंग थी, पर्सनल स्टेटमेंट थी। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ये दोनों चीज़ें कैसे लिखनी है। आप हेडिंग्स के साथ भी लिख सकते हैं, आप बगैर हेडिंग्स के साथ भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर मटेरियल मौजूद है तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को अकेडमी में जब क्लासेस ऑनलाइन दे रहे होते हैं तो हम उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग के तहत आपके लिए कोई भी टॉपिक ईजी हो जाता है। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है, जैसे ये पबजी का टॉपिक था एक, ये ऐसे रैंडम टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, तो अगर पबजी के टॉपिक पे हम जाएं तो हम इसी तरह की दूसरी गेम्स को भी उसमें डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक वो गेम थी ब्लू शार्क, ठीक है, वो भी स्टूडेंट्स को, बच्चों को खेलने से मना किया गया था क्योंकि उससे भी बहुत से हादसात हुए थे। तो पबजी से भी बहुत से हादसात वाकया हुए हैं। तो इस तरह की गेम्स के लिए इस तरह के टॉपिक के लिए या गेम्स को डिस्कस करने के लिए आपके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूरी होती है। तो हम अपनी क्लासेस में स्टूडेंट को कोशिश करते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाई जाए ताकि वो, अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो उनकी नज़र से नहीं गुजरा हुआ होता या उसको प्रिपेयर नहीं किया हुआ होता, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए आप पॉइंट्स कलेक्ट करके अपना मटेरियल ऑन द स्पॉट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ MCQs को आपसे डिस्कस कर लिया। ग्रीन ऑप्शन आपके राइट आंसर्स थे और अगर इसमें आपको कोई ऐसा लगता है कि राइट आंसर नहीं है, कुछ गलत हमने पॉइंट कर दिया है, तो आप उसमें हमें क्लियरेंस भी दे सकते हैं कमेंट में बताकर, ठीक है। तो हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगेन आपसे कहूँगी, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फखरे वकालत अकेडमी, नताशा सेठी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।